हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साधारण व्यास की एक और क्लास के अंदर। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारे लोगों ने क्रम से उसे देखते हुए मेरे साथ यहां तक आए हैं। यदि आपने इससे पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको 1 बाय 1 देखिए, यानी कि आप पार्ट 1 2 3 4 ऐसे क्रम से देखेंगे, किसी भी टॉपिक को क्रम से देखेंगे तो ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपको अच्छी मैथ्स और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छी मैथ्स सीखने के लिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी पार्टों को क्रम से देखें। बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कीजिए और पसंद आए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने साथियों को करवाते रहें। मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना। ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, बाकी मुझे आपसे वैसा कोई ज्यादा पैसा वैसा नहीं मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साधारण व्यास का पार्ट 7। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस कैटेगरी के होंगे कि कई बार दो हिस्सों के ब्याज बराबर दे देता है कि 15,000 रुपए को दो हिस्से कर 8% 10% की ब्याज दर पर अलग अलग उधार दिया गया। कुछ समय बाद दोनों पे ब्याज बराबर मिला या ब्याज का कुछ डिफरेंस मिला। एक दो क्वेश्चंस मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने भी भेजे थे, उसे भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से एंड तक, जिससे मैं आपको सिखा सकूं पूरी बात। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज इस पार्ट में बात करेंगे कि किसी भी धनराशि के दो हिस्से हो आपके पास में, दो हिस्से अलग अलग हिस्से बताए गए हों, इन पे कह रहा हूं कि एक पे 8% की दर से ब्याज मिलता है और एक पे 13% की दर से ब्याज मिलता है। वार्षिक ब्याज दर 8% और 13% होती और दोनों हिस्सों पर एक कॉमन दर होती। कॉमन दर समझ गए होंगे, जहां भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन मिले कि दो हिस्से हो और एक कॉमन हिस्सा हो, कॉमन की जानकारी हो, दो उसी कॉमन जानकारी के दो अलग अलग हिस्सों की जानकारी हो, तो आप वहां पर एलिगेशन लगा सकते हैं। कुछ लोग आप में से मिश्रण जानते होंगे, कुछ लोग मेरे से पढ़े हुए भी हैं, उन्होंने भी सीखा होगा, बाकी कहीं से भी पढ़े हो या कुछ बुकों में देखा हो तो आपको मिश्रण के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ हो, नहीं सुना हुआ है तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये कॉमन हिस्सा मान लो कहता है कि कॉमन ब्याज दर है 11% और अब मूलधन को किस अनुपात में बांटा गया था, यह आपसे पूछा जाए तो आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। इसके अंतर का अनुपात लगाते हैं 13 और 11, तो 11 में 13 में से 11 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर कि 2 बचेगा, इधर 11 और 8 का डिफरेंस करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 बचेगा। एक संख्या से ये बड़ा होगा और एक संख्या से ये छोटा होगा, क्योंकि कॉमन दर होगी वो अलग अलग दोनों हिस्सों में से एक हिस्से से बड़ी आएगी एक हिस्से से छोटी आएगी। डिफरेंस कर लेंगे और ये अनुपात लगा लेंगे और जो राशि होगी उसको बांट लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आए। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन लेऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, अलग अलग एग्जाम्स में कैसे इस टाइप से क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि कोई धन 10% वार्षिक दर से, दूसरा धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, यदि पूरे धन पर ब्याज दर 6% वार्षिक दर प्राप्त हुई तो दोनों मूलधनों का अनुपात बताइए। ध्यान से समझ गए होंगे आप इस बात को कि यदि दो हिस्से एक ही धन के कर दे, उसने कहा है कि दो हिस्से आपको किए गए हैं, एक राशि है उसके दो हिस्से आपने करे हैं, उन दो हिस्सों में से भी कहा था उसने क्वेश्चन में कि पहले हिस्से पर 10% वार्षिक दर से ब्याज मिलता है, दूसरे हिस्से पे कहा था कि 4% से वार्षिक दर मिलता है इससे ब्याज, और एक कॉमन हिस्सा है पूरे पे दोनों हिस्सों पे, जो दोनों हिस्सों पे ब्याज दर है वो 6% है। जब भी आपको ये तीनों जानकारियां दी जाए बस ध्यान ये रखें कि एक ही राशि के दो टुकड़े होने चाहिए या दो अलग अलग राशियों की एक कॉमन दर होनी चाहिए और इनका फिर आप डिफरेंस कर लें, और ये राशि भी तीनों सेम होनी चाहिए। सेम से मतलब यहां आपके पास परसेंटेज, यहां दर है तीनों, तो ये दरें ही होनी चाहिए। साधारण
व्यास की दरें 3 होनी चाहिए, नहीं हो तो आप बना सकते हैं, हो सकता है एक आध आंकड़ा नहीं हो, आगे मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको ऐसे की। चलिए तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ऐसे अंतर लगाना है। 6 और 4 का अंतर हो जाता, आप कहते सब 2 हो जाता, और 10 और 6 का अंतर हो जाता 4। तो मूलधनों का जो अनुपात हो जाएगा वो 2:4 होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1:2 होगा। तो आपका आंसर होता 1:2 रेशियो, 1:2 ही इनका मूलधनों का अनुपात होता। सभी प्रश्नों की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का आप पता जानते ही हैं, आरडी मैथ चार्जर। आरडी मैथ चार्जर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहां ग्रुप, और उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, पीडीएफ डाउनलोड करें और आप खाली टाइम में वहां से प्रैक्टिस लगाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन सिखाता हूं, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 10,000 रुपए के 2 टुकड़े करे गए हैं। 10,000 रुपए को कुछ भाग को 10% पर 8% वार्षिक दर पर, शेष भाग को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, और एक कॉमन दर जो दोनों से ब्याज प्राप्त हुआ वो 9.2% की दर से प्राप्त हुआ। तो वो दोनों हिस्से आपको बताने हैं कि वो दोनों हिस्से क्या रहे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आपको लग गया होगा कि एक जो हिस्सा है उसके 2 टुकड़े करे गए, एक 10,000 का जो हिस्सा है उसके 2 टुकड़े किए गए हैं, और एक कॉमन दर दे रखी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से सोल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,000 रुपए टोटल धनराशि है, इसके 2 हिस्से करे गए हैं, कुछ हिस्से को उसने आपको ब्याज पे दिया है 8% वार्षिक दर से, इंटरेस्ट रेट 8% वार्षिक है, एक हिस्से को उन्होंने ब्याज पर दिया है 10% वार्षिक दर से। एक कॉमन दर का ब्यौरा भी होगा, कॉमन दर का मतलब समझते होंगे दोनों की दर, दोनों की दर उसने दी है 9.2%। तीनों ही आंकड़े सेम है, यानी कि तीनों ही आंकड़े दर के होने चाहिए या समय के होने चाहिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि के हो, तो लाभ हानि का में भी ऐसी चीजें आपके काम आती हैं। चलिए तो अब क्या करता, मैंने कहा 2 हिस्से आपके पास हो, एक कॉमन हिस्सा आपके पास हो, तो इनका डिफरेंस करें, ऐसे तिरछा डिफरेंस, यानी 9.2 और 10 का जो डिफरेंस होगा, आप कहते सर 0.8 बचेगा, 0.8 इधर से होता, इधर से आप डिफरेंस करेंगे तो इधर का डिफरेंस होता 9.2 और 8 का डिफरेंस होता 1.2। पॉइंट की संख्या बराबर है, एक छोड़ के यहां एक छोड़ के यहां, तो पॉइंट जब भी बराबर हो तो वो पूरा कट जाएगा, अनुपात में या भाग में वो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसके नीचे भी 10 है और इसके नीचे भी 10 है तो वो तो पूरा कट जाएगा। तो पॉइंट को काट लिया, 8 और 12 बच गया, तो 4 से काट देता मैं 2 बार और 4 से काट देता 3 बार, 2:3, 2:3 में, तो 10,000 को मैं 2:3 में बांट देता, बहुत ही आसान था। 10,000 को 2:3 में कैसे बांटते हैं, 10,000 को बांटना है 2:3 में, तो आप कहते सर 2 टुकड़े और 3 टुकड़े, इसके 5 टुकड़े, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10,000, 5 बराबर 10,000 हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 बराबर 2,000 होगा, 1 बराबर 2,000 होगा, तो 2 बराबर 4,000, सेम 3 बराबर 6,000, बहुत ही सिंपल था। तो आप ये उत्तर बता देते, दोनों जो हिस्से होते वो 4,000 और 6,000 होते, बेहद आसान सी बातें हैं ये और कर सकते हैं। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसमें ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि 2 हिस्से आपके पास में अलग अलग हों ब्याज के प्रसंग में, और एक कॉमन हिस्से की जानकारी हो, यानी दोनों हिस्सों की एक मिलाकर जानकारी हो, तो दोनों हिस्सों वाली जानकारी को बीच में चिपकाएं, उन दोनों हिस्सों को ऊपर चिपकाएं, और तिरछा ऐसे आप उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके अनुपात लगा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पटवारी रेलवे किसी में भी जा रहे हो। अब जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये LDEC की परीक्षाओं से पहले भी, मैंने आपको क्लासों में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और LDEC में ये देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिला,
संख्याएं बदलती रहती हैं, बाकी वो ही काम है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। 4,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 3% और दूसरे भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए और पूरे निवेश पर एक संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 रुपया मिलता है। तो पहले भाग की राशि आपको बतानी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना इसे ये क्या कहना चाहता है। प्रश्न ने आपको ये कहा है कि 4,000 रुपए के दो हिस्से करे गए, ये 4,000 रुपए हो गए, इनकी दो हिस्से करे गए, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले वाले हिस्से को कह रहा था कि आपने 3% से निवेश करा है, 1 साल की बात है तो टाइम की इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे हिस्से को आपने 5% वार्षिक इंटरेस्ट रेट से दिया है। यदि आपको कॉमन की जानकारी हो जाए, दोनों हिस्सों की जानकारी हो जाए, तो आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करके फुर्ती से निकाल देते। तो मैं क्या करता, दोनों हिस्सों की जानकारी को कैलकुलेट करता। प्रश्न ने क्या कहा था कि संपूर्ण पे, पूरे पे, दोनों पे 144 रुपया ब्याज मिला है, 144 रुपया 1 साल का ब्याज मिला है, और मुझे चाहिए थी यहां पे प्रतिशत राशि, उसी से आप डिफरेंस करते। आप देखिए, इसी का तो डिफरेंस कर नहीं सकते, पिछले क्वेश्चन में तीनों चीजें परसेंट में थी, अब ये चीज राशि आ गई, तो इनिशियल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में से आप नहीं घटा सकते। तो आपको करना क्या है, ये 4,000 रुपए का ब्याज है 1 साल का, तो दर निकाल लेनी थी कि परसेंटेज में कितनी है। तो आप इस 144 में 4,000 का भाग देखिए, 100 से गुणा कर देते, ये दर आ जाती कि 10% हो गया। 2 साल की होती तो 2 के हिसाब से निकाल लेते, ये 1 ईयर की थी। बहुत आसान क्वेश्चन था, चलिए आप अब इसे काट लीजिए। 4 से मैं काटूंगा तो 4 3 12 हो जाता, 2 बचता 6, तो आप 3 पॉइंट क्या कह रहे थे, 3.6% की ये क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, यानी कॉमन दर हो गई 3.6, पहले हिस्से की दर हो गई 3%, दूसरे हिस्से की दर हो गई 5%। चलिए डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, 5 और 3.6 का डिफरेंस आपसे कोई पूछता तो आप कहते सर 1.4 होता, 1.4 समझ गए होंगे, 5 में से 3 घटाया 2 होगा, 2 में से भी 0.6 घटाएंगे तो 1.4 होगा। चलिए इधर से भी घटाते तो आप कहते 3.6 में से 3 घटाते तो 0.6 बचता, पॉइंट की स्थिति काट सकते हैं, पॉइंट को मैं काट देता तो पॉइंट के काटने से ये बच जाता 7:3, 14 को और 3 को काट, 2 से काटते तो 7:3। अब मैं इसे बांट सकता था, बेहद इजी था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, बस ये 144/4,000 ये मैंने कैसे बनाया वो आपको पता करना था। चलिए अब मैं बांटता, 4,000 7 और 3 10 यूनिट के बराबर है, तो 10:1 यानी कि 7 ही और 3 ही, तो 10 बराबर 4,000 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 बराबर 400 होगा, 1 बराबर 400 होगा, तो 7 बराबर कितना होगा। आपसे कोई कह रहा हो कि 1 यूनिट है वो 400 के इक्वल है, तो 7 यूनिट 2800 के और 3 यूनिट होगी वो 1200 के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था ये, और प्रश्न कह रहा था पहले भाग की राशि बताइए, पहले भाग की राशि है 7 हिस्सा, तो 7 हिस्सा आपका उत्तर हो जाता 2800। बहुत आसान क्वेश्चन था, ध्यान से उतारिएगा और अच्छे से सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो आप ही के पास रहता है, आप जब भी मौका मिले आप इसको बार बार देखिएगा और रिवाइज कर करके देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यदि नौकरी लगना है तो आपको क्वेश्चंस के साथ 2 3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से आप उनको देखें समझें, उसके बाद आपके पास नोट्स हो तो नोट्सों से प्रैक्टिस करें। सारे पार्ट देखने के बाद किसी भी बुक के अंदर आप प्रयास करें और किसी से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट होते हैं कि सर फलाना बुक करवाइए, दिखाना बुक करवाइए, पहले आप थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन लगाना तो सीखें, उसके बाद आप किसी भी बुक को निकालेंगे 90-95% क्वेश्चन आपसे इजी सोल्व हो रहे होंगे, 4-5% सवाल है जो आपको लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी आएगी, तो पहले इन चीजों को सीखोगे तब आप उन्हें कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं, उत्तर हो जाता है इसका 2800।
चलिए अगला क्वेश्चन एलडीसी में एक अन्य शिफ्ट में पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन था। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लग गया होगा आपको कि मिश्रण की कैटेगरी का ही क्वेश्चंस है। दो हिस्से हो अलग अलग और एक कॉमन हिस्सा आपको बताया गया हो तो आप क्या करते हैं। यहां भी कुछ उसी अंदाज का क्वेश्चन था, नरेंद्र ने 20,000 रुपए के दो हिस्से करे हैं, कुछ हिस्से को 8% से ब्याज पे उधार दिया है और शेष हिस्से को 4/3% से। भिन्नों में भी आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष के अंत में 800 रुपए की आय अर्जित होती है, 8% पर उधार दी गई राशि बताइए। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था राजस्थान अधीनस्थ के द्वारा, और दोबारा से एलडीसी में रिपीट कराए से, रिपीट सेम डाटा के साथ रिपीट हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी डाटा बदल के भी आपसे दोबारा से ये क्वेश्चन कर सकता है। चलिए शुरुआत करता हूं कि इसे आप तुरंत से कैसे सोल्व करते हैं। 20,000 रुपए के दो हिस्से करे गए, पहला जो हिस्सा रहा और दूसरा हिस्सा रहा। पहला हिस्सा था 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1 साल के ब्याज दर में ही। फिर कह रहा था कि दूसरा जो शेष हिस्सा है उसे 4/3% से उधार दिया। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि दोनों हिस्सों का मामला दे दे तो मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, मिश्रण लगा दूंगा और प्रश्न आसानी से सॉल्व कर दूंगा। लेकिन उसने दोनों की दर नहीं दी, दोनों हिस्सों की कॉमन दर उसने आपको नहीं दी। क्या दी? उसे देखिए, प्रश्न में कहा गया था कि उसे 1 साल में 800 रुपए की आय हुई, यानी कि 800 रुपया उसको ब्याज मिला। 800 रुपये ब्याज मिला तो ये कितना परसेंट हो गया? 20,000 का मिला, यानी कंप्लीटली मिला, तो इसमें 20,000 का भाग दे दो और गुणा 100 से करो। मैं इसकी कुछ जीरो में काट पाता और 4 2 8, 4%, यानी कि कॉमन दर है वो 4% आसान थी। अब इसके आगे आपको कोई ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, इनका डिफरेंस कीजिए। लेकिन आप कहेंगे सर डिफरेंस में एक समस्या है, यहां 4/3 है तो ये घटेगा थोड़ा मुश्किल से। देखो डायरेक्ट भी घट सकता है, लेकिन आप करें क्या, जब भी इनमें से कुछ आंकड़े भिन्नों के आ जाए, ऐसा जब भी एलिगेशन आप लगाएं, तो आपको क्या करना है, इस 4 को के नीचे 3 है तो आप इन सबको 3 से गुणा कर ले, सभी को 3 से, 8 गुणा 3 कर ले, यहां भी गुणा 3 कर ले और यहां भी गुणा 3 कर ले। अब ये हो जाएगा 8 3 24, ध्यान दीजिएगा, यहां से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहां तिगुना करोगे तो ये हो जाएगा 12। अब बैठा लेना, 12 और 4 का डिफरेंस करोगे ऐसे तो ये आ जाएगा 8, और 12 और 24 का डिफरेंस, 12 का और 24 का डिफरेंस ऐसे करोगे तो ये बचेगा 12 24 में से 12। बहुत आसान। अब आप इसे काट लेते, 4 से 2 बार, 4 से ये 3 बार, 2:3, यानी इधर वाला हिस्सा 2 है, इधर वाला हिस्सा 3 है। तो आपको करना क्या था, अब 2:3 आप तो आ गया, तो यानी कि 5 के बराबर हो गया 20,000। 2 और 3 5, ये टोटल है तो 5 हिस्से कर ले, 5:1 की वैल्यू है 20,000, देन 1:1 बराबर होगा 4,000 के, और 2 बराबर होगा 8,000 के, सेम 3 बराबर होगा 12,000 के। कैसे भी कैलकुलेट कर लेते, छोटी मोटी गणना हो तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर ले उसे, पेन पेपर की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए उसमें। प्रश्न में कह रखा था 8% वाली ब्याज दर, तो शुरू वाली 2 हिस्से यानी कि 8,000 आपका राइट आंसर होता। 8,000 पूछा है, 8% वाली दर ये शुरुआत वाली है, फर्स्ट वाली 8% वाली, फर्स्ट वाली फर्स्ट हिस्सा है वो 2 बराबर है, तो 2 बराबर जो वैल्यू आ रही है वो आपका उत्तर होता। आसान सी बातें हैं, बहुत ही ध्यान से इनको पढ़िएगा और फ्री होके मैथ्स को पढ़िएगा। ऐसे नहीं है कि आप बहुत ही बोर होके या आप पे कोई प्रेशर लाइज कर रहा हो तब आप मैथ्स को पढ़ रहे हो, डर को समाप्त करें उसमें। बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आए तो डरे भी क्यों, क्वेश्चन नहीं आए परेशान ना हो, आप उसको देखिए, उसके साथ बिताएं। मैथ्स के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, सबके साथ आप थोड़ा थोड़ा टाइम बिताइए, शुरू से थोड़ी थोड़ी वीडियो को देखिए, रोजाना 1 2 वीडियो देखिए तो आपको मैथ्स अच्छी लगने लग जाएगी और मैथ्स में मार्किंग अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
और मैथ्स के अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपके बहुत सारों की यही प्रॉब्लम होती है कि सर मैथ्स में अच्छा स्कोर हो गया तो हम नौकरी लग जाएंगे, और इससे बड़ी बात हो क्या सकती है कि आप नौकरी लग जाएं। चलिए, तो ये एलिगेशन टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास ने 30,000 रुपए की रकम उधार ली है, एक हिस्सा 12% से दिया है और दूसरा हिस्सा जो उसने दिया है वो 10% से दिया है। 2 वर्ष के अंत में रकम का निपटाने के लिए, रकम टोटल निपटाने के लिए उसने कुल मिलाकर 36,480 रुपया चुका दिया। सेम वैसा ही एलिगेशन टाइप का ही क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा एलिगेशन कैसे है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें मिश्रण वाली चीज, पिछले क्वेश्चन जैसे ही बात है, थोड़ा सा गौर से इसे आप पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? 30,000 रुपए हैं आपके पास, इनके दो हिस्से करेंगे। जब भी आपके पास दो हिस्से होते हैं, एक कॉमन हिस्सा दे दे, दोनों का एक कॉमन हिस्सा दे दे, तो आप डिफरेंस सुफरेंस कैलकुलेट करते हैं और उत्तर आप निकाल रहे होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? पहला हिस्सा था 12% की इंटरेस्ट रेट से, दूसरा हिस्सा था 10% की इंटरेस्ट रेट से। 2 साल के लिए ब्याज पर दिया गया है। ऋण निपटाने के लिए उसने 30,000 से 36,480 रुपया ऋण का समाप्ति पर अदा किया गया। तो 12% वाली उधार ली गई राशि बतानी थी। अब मुझे बताइए कुल पे कितना, दोनों पे ब्याज कितना मिला? 30,000 रुपये आप किसी से लिए हो, देने आप 36,480 रुपये गए, तो ये जो रस्ते में बढ़ा वो ब्याज बढ़ा होगा। तो 2 वर्ष के अंदर कितना ब्याज बढ़ा? तो आप कहते सर 6,480 रुपया ब्याज 2 वर्ष में बढ़ा। 2 वर्ष में बढ़ा तो ये कितने रुपए का ब्याज था? ये 30,000 का था, तो आप 30,000 नीचे रखते, इसे 100 से गुणा करते, और ये 2 साल का था तो इसे 1 साल का बना लेते, 2 का भाग देते, 1 साल का ब्याज हो जाता। बहुत आसानी से आप दर निकाल पाते। 0 को काट लीजिए, 3 जीरो कट गई, और काटें 3 2 6 होता है, 6 से इसको काटेंगे 108 बार कटेगा, 108 में भी एक जीरो नीचे बच रही है, इसका पॉइंट लगा दें, 10.8 हो गई। ये जो कॉमन दर आई वो आ गई 10.8%। ये दर जैसे ही निकली अब तो इजी हो गया, अब तो आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें, अनुपात लगाएं, बांट दें, पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बन गया। चलिए, मैं 12% को 10.8 में से घटा था, बीच में लिख देता हूं मैं, यहां 10.8 यहां लिख लीजिए, घटाने में आसानी रहे, यहां आराम से दिखेगा। 10.8% डिफरेंस करता, ध्यान से देखिए, 12 में से 10 घटा था तो 2 बचता, और 8 घटा था 1.2 बचता, 1.2 इधर बचता, इधर घटा था तो 0.8 बचता। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 और 12 को 4 से काटेंगे 2 बार, और 4 से काटेंगे 30,000 को 2:3 में बांटते तो 5 बराबर हो गया 30,000। 2:3 में बांटेंगे तो 2 और 3 5 टोटल कर लेंगे, टोटल जो बनेगा वो 30,000 बनेगा। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर बनेगा 6,000, 1 बराबर 6,000 बनेगा, तो 12% पूछा है, 12% वाला हिस्सा है 2, तो 2 बराबर बन जाता 12,000। ये आपका राइट आंसर होता। ध्यान से देखिए और उतारिए उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आसान थे, जो भी क्वेश्चन आपने देखे पिछले 4 5। अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और देखिए उस क्वेश्चन को साधारण अंदाज का ही है। कई बार आपको कहता है 2 हिस्से हैं और बाद में कह देता है कि उनका ब्याज बराबर है, साल का ब्याज बराबर है या 2 साल का ब्याज बराबर है, ये कोई मायने नहीं रखता। यहां भी आपको डायरेक्ट अनुपात लगाने हैं। प्रश्न कह रहा था 1,750 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। पहले वाले हिस्से पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज और दूसरे हिस्से पर 6% का
वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, एक साल का ब्याज बराबर है, एक पर 8% से, एक में 6% से। ऐसा क्वेश्चन आप मात्र 10 सेकेंड में कर सकते हो। दो हिस्से हैं, राशि के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से पर 8% की दर से और दूसरे हिस्से पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। यहां कोई एलिगेशन टाइप की चीज नहीं है, लगा भी सकते हैं। पहले एक साल का टाइम भी यहां मायने रखता है, एक साल का साधारण ब्याज बराबर है। तो अब मैं क्या करता, ब्याज निकाल लेता। पहले हिस्से का ब्याज कैसे निकलता मुझे पता नहीं, पहला हिस्सा क्या है। तो मैं फर्स्ट गुणा 8% गुणा 1/100 पीटीआर बटा 100 कर लेता, बराबर दूसरे हिस्से का ब्याज है 6% से, दूसरे हिस्से को 6 गुणा 1/100 करता, इनमें से भी 100 से 100 कट जाता। फर्स्ट हिस्सा और सेकंड हिस्से का अनुपात लगा लेते। अनुपात समझिए कैसे, यहां 8 गुना है, यहां 6 गुना, यदि ये बराबर है। कभी भी ऐसी चीजें बराबर हो, अनुपात के वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, बहुत सारी मैंने चीजें समझा रखी हैं कि आपको अनुपात कैसे मानना है, आगे भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। तो चलिए अब क्या है, पहला हिस्से का 8 गुना दूसरे हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं सर पहले हिस्से को 6 मान लीजिए और दूसरे को 8 मान लीजिए, तो इक्वल हो जाएगा, या 24 पे बराबर कर ले, कैसे भी कर ले। तो पहला हिस्सा 6 मान ले पहले हिस्से को और दूसरे को 8 मान ले, एक साल का है तो यहां गुणा कुछ हो नहीं रहा था, एक ही रहता। अब इसका अनुपात आ गया 3:4, ये अनुपात जिसने लगा लिया उसने इस प्रश्न को आराम से सोल्व कर लिया। चलिए अब मैं बांट सकता हूं इसे 3:4 में, मैं 1750 रुपए को बांटता तो आप कहते सर इनका टोटल कर लो, तो 7 बराबर क्या हो जाता 1750, 7 बराबर 1750, 7 से कट रहा है ये, 7 2 14, 3 बचा 7 5 35, तो 1 बराबर आ जाता 250। 1 बराबर 250 हो, आपसे ये पूछा जाए कि 3 बराबर बताइए, तो 250 250 तीन बार करेंगे 750। आपसे कहे 4 बराबर 250 250 चार बार करेंगे 1000। एक हिस्सा 1000 रुपए वाला था और एक हिस्सा 750 वाला था। प्रश्न ने क्या पूछा था, 6% दर वाला भाग बताइए, 6% दर वाला भाग था ये दूसरा, दूसरी तरफ वाला, तो आपका उत्तर हो जाता 1000, 6% वाला था 1000 की तरफ। तो ऐसे प्रश्न से बिल्कुल नहीं घबराए, आपको करना क्या है कि ये जब भी दे कि भाई एक हिस्सा, एक ही जो राशि है उसके दो हिस्से करे गए हैं और कुछ समय बाद ब्याज बराबर मिलते हैं, साधारण ब्याज आपस में बराबर हो जाते हैं, तो पहले हिस्से को उस दर से और समय से गुणा कर लें, दूसरे हिस्से को उस दर से और समय से गुणा कर लें और बीच में बराबर का चिन्ह और अनुपात लगा लें। अब इनके अनुपात लगाएंगे बहुत सारी चीजें इनमें से कट जाएंगी और डायरेक्ट यहीं से अनुपात लगाना आप सीखे उसका। डायरेक्ट ही ऐसे करें इसको, जैसे मान लो कि आप कहीं परीक्षा में इतनी चीजें नहीं लिख रहे होते, क्योंकि 1750 आपको दिख ही रहा है पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से का ब्याज बराबर है, तो इसका ब्याज बनाएंगे 8 से गुणा कर लो, इसको 6 से गुणा कर लो, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात लगाएं, तो दूसरे हिस्से को 8 मान लो, पहले हिस्से को 6 मान लो, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये 3:2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहां से 7 कर लेते। दूसरा हिस्सा 6% वाला 4 है और 8% वाला 3 है, ऐसे बांट देते बहुत ईजी तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने ही भेजा था कि सर ऐसे क्वेश्चन करवाइए, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहते हैं तो सभी पार्ट देख लेने के बाद आप अपना धैर्य खोया करो, क्योंकि मैं सारी चीजें करवाने वाला हूं। यदि आपको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, और आप भी उसे टाइम निकाल के देख ले, शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट को ही आप शेयर कर दे, नीचे प्लेलिस्ट में जाएं और शेयर, उसके कोने में तीन डॉट होती है वहां से उसे शेयर कर दें सब जगह, क्योंकि आप शेयर भी कम कर रहे हैं तो आप इतना काम तो कर दीजिएगा कि उसे शेयर तो कर दें, उसमें कौन सा आपको पैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि प्रश्न क्या दिया था। प्रश्न दिया था कि 3600 रुपए की राशि को दो भागों में बांटा गया, ध्यान से देखिए 3600 रुपए की राशि को दो भागों में बांटा गया, फिर उसके बाद कह रहा था
इस प्रकार विभक्त किया गया, बांटा गया, इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग पर 5% इंटरेस्ट दर वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, वार्षिक दर से 3 वर्ष का तथा साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों भाग बताइए कारण से। ऐसे एक बच्चे ने प्रश्न भेजा, छोटी सी बात है ये, आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। 36 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहां पे आपको कोई मिश्रण मिश्रण नहीं लगाना है, बहुत आसान सी बात है। मैंने कहा कि 3600 रुपए को 2 हिस्सों में बांटना है, पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का ब्याज बराबर है, बराबर है, दोनों हिस्सों का ब्याज बराबर है। तो पहले हिस्से का पहला हिस्सा मुझे पता नहीं, फर्स्ट रख लेता हूं, इसको रोमन में सेकंड लिख लिया मैंने। पहले हिस्से का 5%, तो इसे 5 से गुणा कर दे, और 3 वर्ष का तो 5 × 3 PTR अपॉन 100, 100 नीचे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 दोनों के नीचे आएगा तो वो कट जाएगा, दोनों के नीचे आएगा तो वो कट जाएगा। दूसरा हिस्सा है 6.4%, तो आप इसे कहते सर ये 25/4 हो जाता, और 6.4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, सॉरी 4 वर्ष का प्राप्त साधारण, यहां 4 वर्ष का था, यानी 6.4% की दर से 4 वर्ष का और 5 की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो ये था 4 वर्ष का, ये बराबर है। अब यहां से काटते ये चीजें तो कट जाती, अभी मैंने कहा कि ये चीजें बराबर, इनको भी काट सकते हो, जैसे इस 5 से उस 25 को, तो आप डायरेक्ट अनुपात लगा ले, पहले हिस्से का और दूसरे हिस्से का अनुपात ही लगा देते और प्रश्न खत्म हो जाता, पिछले प्रश्न की तरह ही कर लेते। 5 × 3 = 15 होता, ये तो मैं दूसरे हिस्से को मानता और इधर 25 है वो पहले हिस्से को मानता, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसका अनुपात हो जाएगा, ये वाला इसका अनुपात हो जाएगा, पक्षांतर करने से डायरेक्ट याद देख ले उसे। चलिए मैं इसे काटता, 5 से काटता 25, 5 बार, 5 से काटता 3 बार, 5:3 में 3600 का बंटवारा कर देता। 3600 का बंटवारा करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, 5 × 3 = 8 हो गया, 8 = 3600 हो जाता, 8 = 3600 होता, तो इसे मैं काटता 8 × 8, 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40, 450 की वैल्यू होती, 450 की वैल्यू होती तो दोनों हिस्से क्या होते, आप कहते 5 बराबर, तो 1 = 450 हो, तो 5 = 450 का आप 5 गुना करेंगे तो 400 का 5 गुना 2000 होता है और 50 का 5 गुना 250 होता है, 2250 कहते, पहला हिस्सा तो 2250 है, दूसरा हिस्सा तिगुना करते, 400 का तिगुना होता है 1200 और 150 1350, उत्तर हो जाता 2250 और 1350 दोनों हिस्से। जब भी ये ब्याज बराबर करने के क्वेश्चन है तो आपको उस दर को ही गुणा कर लेना है, दर को समय से गुणा कर ले, दूसरे वाली दर को समय से गुणा कर ले, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल, 4 साल, जो भी है उसको गुणा कर ले, और ब्याज बराबर कहा है तो अनुपात कर ले, यानी जो दूसरा गुणा कर रहे हैं वो तो पहले के नीचे रख ले, जो पहले के लिए गुणा किया है वो दूसरे के नीचे रख ले और उसे काट ले, काटने के बाद अनुपात बनेगी, उस अनुपातों में जो राशि थी मूल राशि उसका आप बंटवारा कर दे। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको लिया, इससे पिछले वाला, ये दोनों सेम है, वीडियो को रिपीट कर करके आप देखेंगे इनको, अच्छे क्वेश्चन थे आज इस सारे ही वीडियो में, ऐसे क्वेश्चन भी लगा के जाए, चाहे से आप रेलवे किसी में भी जा रहे हो, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो जहां पर ब्याज आ रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट डाटा लेते हैं, अंतर की बात करते हैं,
कई बार ये योगफल ही बराबर होता है, कई बार आपको अंतर मंतर के लिए भी कर देता है। एक और क्वेश्चन भेजा था एक स्टूडेंट ने, उसे मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में। पी तथा क्यू दो समान राशियां, पी तथा क्यू दो समान राशियां, पी तथा क्यू दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से, 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, उधार दी गई। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कहा था कि पी और क्यू को दो समान राशियां हैं, समान राशियां हैं, बराबर राशियां हैं, उनके द्वारा दिए गए, उनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 रुपए का अंतर था, 150 रुपए का अंतर था। साधारण ब्याज का ऐसा प्रश्न हो बहुत ही आसान है, का अंतर था। तो प्रत्येक प्रत्येक राशि बताओ, प्रत्येक वाली राशि क्या है ये बताओ। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा था। दो समान राशियां 7.5% की दर से दोनों ही दी गई है, पहली भी उतने से ही दी गई है, दूसरी भी उतने से ही दी गई है, लेकिन ध्यान दो ये 150 रुपए अंतर आया है वो 4 साल और 5 साल के कारण आया है। तो बहुत ही आसान होता यदि आप ऐसे करते, कैसे करते, पहले वाली जो दर बनी होगी वो 7.5 × 4 बनी होगी और जो दूसरे वाली दर बनी होगी वो 7.5 × 5 बनी होगी, ये रही होगी। और आप इनको काट लेते तो यहां से ये आ जाता 4:5, डायरेक्ट ही काट लेते, पहले वाली दर से जो ब्याज बना होगा 7.5 के हिसाब से 4 में बना होगा 30, तो इधर 30 भी कर सकते थे, इधर 37 भी कर सकते थे, 4-5 ऐसे भी कर सकते थे, या 30-37 से भी जा सकते हैं, लास्ट में 100 से गुणा कर लेते उसे। अब आप मुझे बताइए कि इनका जो डिफरेंस है वो 150 के बराबर है, तो यहां से एक बात और कर सकते हैं आप, दर से भी जा सकते हैं, देखिए दर से भी जा सकते हैं, यदि आप पूरा नहीं काटते हैं तो दर बना लीजिए क्योंकि लास्ट में 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज नीचे 100 भी आया होगा वो भी। चलिए 7.5 को 4 से गुणा करते हैं, तो आप कहते सर ये 30% है और इधर वाली जो दर बनती वो 7.5 के हिसाब से 7.5 और तो 37.5, ये 30% ब्याज मिलता और दूसरे हिस्से से मिलता आपको 37.5% ब्याज। अब आपको इनका डिफरेंस दिया गया था अंतर, 150 रुपया अंतर आया, तो आप कहेंगे सर 7.5% का अंतर है 150 रुपया, तो टोटल धनराशि जो बराबर राशि थी वो कैसे बढ़ती, तो वो आप ये कह देते कि 150 30 7.5% 150 है तो 7.5 का इसमें भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, ये मूल राशि आ जाती। 7.5% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू आपको कंसीडर करनी थी, यहां से एक जीरो में हटा रहा हूं तो ये 1500 हो जाता, फिर इसे काटता तो ये दो बार तो उत्तर आ जाता 2000, 2000 रुपए की वो राशि। ऐसा क्वेश्चन जब भी करना हो कि डिफरेंस आता है अंतर, तो उस दर से आप इनको वर्षों से गुणा कर ले, अलग अलग जो दर बनेगी ये परसेंटेज में बनेगी, काटो तो पहले भी काट सकते हो और परसेंटेज को फिर आप क्या कर ले, उनका जो डिफरेंस हो प्रतिशतों का उसको उस राशि के बराबर कर ले, उस डिफरेंस का इसमें भाग देंगे, 1% कैलकुलेट होगा और 100 से गुणा करेंगे मूल राशि आ जाएगी। आसान सी चीज थी ये भी, आप आराम से बांट सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा और इस चैप्टर का भी। नेक्स्ट पार्टों में मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्सअप प्रूफ करवाने वाला हूं। पहले आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे मेरे से, चक्रवर्ती ब्याज को भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे 1x1,
उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अभी अकेले साधारण व्यास को आपने पढ़ा है, कुछ स्थितियां उसमें से देखी है और आगे मिक्स वाली आगे देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय अवधि में 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3250 हो जाए और 8% साधारण ब्याज की दर से 30,000 हो जाए तो वह धनराशि और निश्चित समय बताइए। दो कंडीशन है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ PTRI और A है, दूसरी तरफ भी PTRI A है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे फटाक से करेंगे वो ध्यान देखना। यहां पर दर तो आपको दे रखी है, दर क्या रखा है, यदि इसे 12% दर से दिया जाता तो ये जो बनती वो बनती 32,500। यदि इसे 10% की 8% की दर से दिया जाता तो ये बनती 3,000। मिश्रधन 3,000, 8% से 30,000, 8% से 30,000 बनती, 12% से 32,500 बनती। कह रहा था कि समय बताओ या पी बताओ, पी या टी पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको ए दे रखा हो, दो परिवर्तन दे रखा हो कि इसके बजाय ये दर होती, तो यहां से क्या करते हैं पी निकालने के लिए आप एक छोटा सा काम करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इक्वेशन बनेंगे, लेकिन इक्वेशन कुछ नहीं बनाए, आप दूसरे वाले ए को इस आर से गुणा करें, फर्स्ट वाली आर से, और इसको आप उससे गुणा करें। तो क्या करते, 30,000 को मैं 12 से गुणा करता, यहां ध्यान से देखिए, माइनस इसको 32,000 को 8 से गुणा करता, 32,500 गुणा क्या करता 8, और इसमें भाग दे देता मैं इन दोनों के डिफरेंस का, 12 और 8 के डिफरेंस का, यानी कि 4 का। ये पी आता था, डायरेक्ट आता पी, दोनों जगह पी समान है। करना क्या है वाह ध्यान से देखिए, 30,000 को मैं 12 से गुणा करता, इस 32,500 को 8 से गुणा करता, इनका जो डिफरेंस बनता अंतर, वो इनकी दर के अंतर का भाग देने से पी आ जाता वो गण। अब यह गणना भी थोड़ी ध्यान से करनी है कि नहीं गुणा नहीं करें, जो नीचे लगाएंगे ये 4 लगाएंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों को काटेगा दोनों तरफ, तो 4 से काट दें इसे 3 बार, 4 से काट दें, दोनों का लघुत्तम है दोनों तरफ काटेगा, बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों तरफ काटेगा, गुणा हो तो दोनों तरफ नहीं काटता है, कॉमन लेके काट दे कैसे भी काट दे। चलिए 30 का 3 से गुणा करते 90,000 माइनस 32,500 का डबल करते तो ये 64,000, 64 और हजार और 65,000, 90,000 में से 65,000 होते, 25,000 आपका पी आता, 25,000 पी आता, यानी कि आपसे मूलधन पूछे तो आपका उत्तर हो जाता 25,000। ए ऑप्शन में आ रहा था, 2.5 वर्ष समय हो गया, समय निकालना मैंने बहुत बार आपको बताया, चाहे इधर से निकाल ले इधर से, टी कैसे निकालते हैं, ब्याज को 100 से गुणा करते हैं और पी आर का भाग देते हैं, तो ब्याज क्या था इसमें 25,000 से 30,000 हुआ है तो 5,000 आपका ब्याज था, 100 से गुणा करते पी था 25,000 और 8 का भाग देते, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती, 25 से इसको काटोगे 4 बार, 4 काटेगा ऐसे 2 बार, 5 में 2 का भाग देते तो 2.5 वर्ष ये समय आ जाता। तो ये साधारण ब्याज की बातें थी सारी, आप इसे अच्छे से उतार लीजिए। आपको पार्ट 1, 2, 3 सभी को आप देखते हुए आ रहे हैं, सभी को अच्छे से देखना है और अच्छे मार्क्स आपको ब्याज में प्राप्त करने हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप पार्ट 1, 2, 3, 4 इन सभी को आप कंटिन्यू देखें, क्रम से देखें, उसके बाद आप कहीं से भी एक्सरसाइज करें, किसी भी एग्जाम में जाएं, आपको बहुत अच्छे से ब्याज की चीजें हैंडल कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगले पार्ट चक्रवर्ती के होंगे, चक्रवर्ती के ब्याज मिक्स पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी टॉपिक को देखिए, वीडियो को धड़ाधड़ आप शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपके लिए जिससे एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।